फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल द लाइफ एक्स में। पीछे आप बाइक देख सकते हैं, ये है F900XR जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, जिसका मॉडिफिकेशन हुआ था, जिसमें क्रैश गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल करे थे। जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम लोग एडवेंचर रेडी बनाने वाले हैं, मतलब लद्दाख ट्रिप के लिए रेडी कर रहे हैं। तो इसके टायर चेंज होने थे, थोड़ी देर बाद हम लोग टायर चेंज कराने वाले हैं। इसके दोनों टायर्स ऑर्डर कर लिए गए हैं, आ गए हैं, एंड उनका कॉस्ट, उनके डिटेल एंड क्यों वो टायर्स लगाने वाले हैं सब बताऊंगा वीडियो में। पहले दिखाता हूं आपको बाइक एंड उसके जो पहले से स्टॉक टायर्स आते हैं इसमें, वो ये है बाइक BMW की F900XR जो कि आपने पहले भी देखी होगी। इससे पहले भी एक वीडियो इसकी बनाई थी मैंने, जब क्रैश गार्ड्स वगैरह इंस्टॉलेशन कराया था। तो अभी आप इसमें देख सकते हो स्टॉक टायर्स जो लगे हुए हैं, ये है। तो ये ऑफ रोड के लिए नहीं है, ये स्पोर्ट्स टायर है, क्योंकि ये बाइक जो है स्पोर्ट्स टूरर है, तो हाईवेज और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए सही है, बट ऑफ रोड टूरिंग करने के लिए, माउंटेन्स पे जाने के लिए ये टायर्स उतने ग्रिप नहीं देते, तो इसलिए ये टायर्स चेंज कराने वाले हम लोग। साथ में एक और चीज़ इसमें जो लगने वाली है वो है ये मोबाइल होल्डर, जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी है, तो ये भी आज इंस्टॉल करेंगे बाइक में। काम शुरू हो चुका है, टायर खोलने जा रहे हैं। फ्रंट टायर पर अभी सेम बाइक काम कर रहे हैं, जिन्होंने क्रैश गार्ड इंस्टॉल करे थे सेम बाइक में। एंड आपको ये बता दूँ, ये दोनों टायर्स ऐसे नहीं है, इनकी लाइफ अभी है, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू टायर्स हैं। बाइक भी बहुत पुरानी नहीं है, एकदम न्यू है, बट टायर चेंज कराना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ रोड या माउंटेन्स पे ऐसे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ग्रिप चाहिए, एंड अच्छे टायर्स नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है राइड करने में। इसलिए ज़रूरी है कि आप लद्दाख जैसी जगह पर जाते हैं तो बाइक के टायर्स अकॉर्डिंगली चेंज करा लीजिए। ये और ये दोनों टायर खुलेंगे, चेंज होंगे, तो एक बार फिर से देख लो भाई, टायर एकदम न्यू है, एकदम न्यू कंडीशन में है, बिल्कुल भी खराबी नहीं है, बाइक ही न्यू है, ज़्यादा रन नहीं हुआ है अभी। तो ये है स्टॉक टायर जो बाइक में लगा रहता है, ये है ब्रिज स्टोन का, ये है जो आगे की टायर में लगा रहता है बोल्ट, देख लो कितना बड़ा बोल्ट लगा हुआ है, नया टायर रिम लग गया है बाइक में, कैसा लग रहा है बताना। भैया मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्रॉसिंग पे चलाएंगे पटरी पे? हाँ भाई, क्रॉसिंग पे चलाएंगे तो पटरी पे चलाने के लिए अब तैयार, देखो रेलवे ट्रैक पे दौड़ेगी गाड़ी। ये रिम नहीं है, ये मजाक चल रहा है बस, तो अभी इसको रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए नीचे दूसरा रिम लगा दिया आपसे एक भाई ने, तो अभी हम टायर लेके जाएंगे, इसमें नया टायर चढ़वा के लाएंगे टायर एक्सचेंजर मशीन से, एंड उसको फिर रिप्लेस करेंगे बाइक में। आगे के टायर तो खुल गया, अब बारी है पीछे वाले टायर की। तो बाइक को यहीं पे छोड़ के जाएंगे टायर रिप्लेस करवाने टायर एक्सचेंजर मशीन से। तो दोनों टायर लोड हो रहे हैं, देखो सामने गाड़ी में वो है शॉप, तो बाइक के टायर यहाँ पे खुलवाए हैं, तो टायर्स लेके देखो हम जा रहे हैं, ये टायर है, तो दोनों टायर्स लेके जाएंगे, क्योंकि रिम में न्यू टायर लगेंगे, और इनके पास एक्सचेंजर मशीन नहीं है तो दूसरी जगह जाएंगे। और ये है गाड़ी जिससे हम आगे जाने वाले हैं अभी टायर्स लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पुराना टायर, इसके नीचे एक न्यू टायर रखा हुआ है, और एक न्यू टायर अभी मंगाया है, वो भी आ रहा है। और टायर चेंज होने के बाद आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये क्या है, क्यों है, तो वो भी चीज़ बताएंगे। तो दोनों टायर्स हमारे आ चुके हैं, ये रियर टायर, ये फ्रंट टायर पुराना, और ये आगे का नया टायर रखा हुआ है, हम रिम में नए टायर चढ़वा के आएंगे एंड वापस फिर से इसी बाइक में फिक्स करवाएंगे। तो टायर चेंज कराने जाएंगे, उससे पहले एक और चीज़ लगाने वाला है बाइक में, जो कि है मोबाइल होल्डर, एंड वो मोबाइल होल्डर भी देखिए, ये है ऑनलाइन मंगा लिया गया, इसमें ना वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी है, इसका कॉस्ट अराउंड 2600 आता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आप वायरलेस चार्जिंग देख रहे हो, फीचर काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत क्वालिटी है, तो ये फिट होगा यहाँ पे। मोबाइल होल्डर फिट हो गया, और इसमें देख सकते हो सिंबल बना हुआ है, ये वायरलेस चार्जिंग का है, और ये इसका वायर है जो कनेक्ट होगा बैटरी में, और ये है बैटरी इसकी, ये दोनों ब्लैक टर्मिनल, रेड टर्मिनल, और इसमें भी
जो फोल्डर में था इसमें भी दो टर्मिनल है। अब ये दो टर्मिनल से ये दोनों बैटरी में कनेक्ट होंगे पावर के लिए। तब स्ट्रगल ये है ना कि ये जो वायर है इसमें से निकला बैटरी तक जाएगा, वो बाहर ना रहे दिखे नहीं। ये जो वायर देख रहे हो आप लटक रहे, ये बाहर ना रहे दिखे ना, इसलिए उसको अंदर से लाना है। उसके लिए फेयरिंग खोलनी पड़ेगी, ये वाले पार्ट ये खुलेगा, इसके अंदर से वायर ला के फिर यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो भाई ये देखो लग गया है मोबाइल होल्डर, और इसका वायर ये है देखो, अब कहीं नहीं दिख रहा, अंदर से फिट हो गया बैटरी में। चेक करते हैं काम कर रहा है इसका वाईफाई चार्जिंग के नहीं, वायरलेस चार्जिंग भी काम कर रहा है। मोबाइल होल्डर लग गया है एंड हमारा रियर टायर भी आ गया बाइक का न्यू। तो अभी चलते हैं दूसरे शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे टायर एक्सचेंजर मशीन नहीं है, तो वहीं पे चेंज होगा, टायर चेंज करा के फिर वापस आएंगे यहाँ पे फिक्स कराने के लिए बाइक का। आ चुके हैं हम लोग दूसरे स्टोर जहाँ पे टायर चेंज कराएंगे, रियर टायर और ये टायर न्यू, ये चारों टायर निकलेंगे, जाएंगे स्टोर के अंदर, वहाँ पे चेंज होगा। ये देख लो ये मशीन है हमारी, मशीन से टायर हटा रहा है। सामने जो मशीन है आप देख रहे हो इसको ही बोलते हैं टायर एक्सचेंजर। ये हमारे हैं नए टायर, ये फ्रंट है और ये है रियर। वाइट टायर चेंज हो गया, रियर टायर तो चेंज हो गया, अब इसमें एयर फिल कर रहे हैं। टायर चेंज हो चुके हैं और ये देखो ये है पुराने टायर्स जो निकाल के रख दिए गए, ये है दोनों टायर्स जो नए टायर्स लगा दिए गए जीप में, और अब इनको लेके चलते हैं शॉप पे जहाँ बाइक छोड़ के आए थे, बाइक में फिक्स करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको टायर का डिटेल बताऊंगा कि कौन से टायर है, क्यों लगाए गए, उनका कॉस्टिंग क्या है, ब्रांड का नेम क्या है। उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। टायर्स चेंज करवा के वापस जा रहे हैं हम लोग बाइक के पास एंड बाइक में टायर्स लगवा लेंगे, बस 5 मिनट में पहुँचते हैं। भाई वापस आ गए शॉप पे और ये नया टायर, पहले वाले टायर में आपने देखा होगा कि ये ग्रूव ऐसे नहीं थे, वो टूरर बाइक का टायर है, स्पोर्ट्स बाइक का टायर है, तो ऐसे टायर नहीं है, ये ऑफ रोड टायर है। अब इसमें भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स आते हैं कि आपको प्योर ऑफ रोडिंग चाहिए, 50% ऑफ रोडिंग चाहिए, 30%, तो ये टायर जो है ये 30% ऑफ रोड है। तो ये देख लो आप टायर, इसमें जो ग्रूव्स है ना तो ये काफ़ी डीप रहते हैं, उसकी वजह से अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। तो हर टायर में मार्किंग होती है ऐसा, ये देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेगमेंट लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 180 55 और 17, 180 इसका सेगमेंट है, 55 प्रोफाइल है, 17 इज आपका रिम साइज जो कि इंचेस में होता है, तो रिम का डायमीटर होता है। तो इस हिसाब से आप ये देख के अपने बाइक के टायर चेंज कर सकते हो, मंगा सकते हो सेम साइज में। ये जो टायर है ये है पायरेली ब्रांड का, और इसका पीछे वाला टायर है 24,000 का, आगे वाला जो टायर है वो पड़ा 18,000, दोनों टायर मिला के 42,000 के हैं। तो थोड़ा कॉस्टली है बट एडवेंचर के लिए जाना है तो भाई कराना तो पड़ेगा। एंड इसी तरह आप दूसरे ब्रांड के भी टायर ट्राई कर सकते हो, मेटजेलर आता है, मिसलिन आता है, उसके अलावा एक नया ब्रांड मैंने सुना है राइस मोटो करके, उसके भी सुने टायर्स अच्छे हैं एंड वो थोड़ा बजट वाइज आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसका। मेटजेलर का मुझे पता है, मेटजेलर मैंने अपने बाइक में लगा रखे हैं, बाकी अगर राइज मोटो का एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कोई और इससे बेटर टायर मिलता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई टायर फिट हो गए, एक स्पोर्ट्स टूरर में ऑफ रोड टायर्स लगवा दिए। तो भाई फाइनली बाइक रेडी है, अब
एडवेंचर करने के लिए। तो जल्दी ही लद्दाख ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, तो फॉलो करते रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।